डॉक्टर अपना परिचय दीजिएगा हमें। मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ। मेरी जमशेदपुर में दो क्लिनिक हैं, एक गोलमुरी में DKT कॉम्प्लेक्स और दूसरी बाराद्वारी में एक क्लिनिक है, जहाँ पे मैं जीवन शैली से सभी संबंधित बीमारियों का इलाज करती हूँ। डॉक्टर, इन दिनों देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों को ही काफ़ी जल्दी चश्मा लग जाता है। पहले हम लोग देखते थे कि दादी नानी लोगों को चश्मा लगती थी, लेकिन इन दिनों छोटे बच्चे चश्मा पहन रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, आँख कमजोर क्यों हो जाता है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आमतौर पे तो बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहुत पास से चीज़ों को देखते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं, तो एक कारण तो वही है इनका। और दूसरा मेन कारण वही पोषण ही है कि उनको उतना पोषण जो आईसाइट के लिए जरूरी है, जिसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है, और उतना हम विटामिन ए बच्चों को नहीं दे पाते हैं। जंक फूड बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो आँखों के लिए जो ज़रूरत है, जो उनकी जो इंद्रियां हैं, आँखों की जो इंद्रियां होती है, चक्षुन्द्रिय जिसको कहते हैं, उसके लिए जो पोषण जरूरत है वो बच्चों को नहीं मिल पाता है। और रेगुलर प्रेशर होने की वजह से, मोबाइल और टीवी और कंप्यूटर की वजह से ये दिक्कत आमतौर पे देखी जाती है। डाइट में क्या शामिल करेंगे ताकि आँख जो है वो थोड़ा मजबूत रहे? अगर आप डाइट में करना चाहते हैं तो हमारा एक नई जड़ी बूटी है ओमेगा 3, जिसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 होता है। इसमें वही बात है कि ओमेगा 7 बहुत ही आंखों के लिए अच्छा होता है। ये एक हमारी जड़ी बूटी है जिसको कि सी बकथॉर्न के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर में आज 3-3.5 साल से इसको बहुत लोग इसको ले रहे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके कि चश्मा उतर गया है। इनको लेने से नियमित रूप में इसको अगर लाइफस्टाइल की तरह लिया जाए तो चश्मा उतर भी जाता है। और अपने खाने पीने में ऐसा क्या ऐड करें? खाने पीने की बात कही जाए तो जैसे कि आंवला है, गाजर है, अनार है, जिसमें भी विटामिन ए होता है, ऐसी चीज़ों को ले सकते हैं।